देखा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, मतलब आपको शुरुआत के 3 महीनों में कोई भी ब्लीडिंग वगैरह की शिकायत नहीं है एंड आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहता है, वो हाई या फिर लो नहीं होता है एंड उसके बाद में आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो भी ठीक रहता है और आपको कोई भी बीमारी नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी के जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उनमें आपकी बॉडी का बैलेंस बिल्कुल सही रहता है एंड बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होता है, तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बट एक बात का ध्यान रखिए कि आपको सीढ़ियां बहुत तेजी से नहीं चढ़नी है, जब भी चढ़े बहुत धीरे धीरे एंड आराम से ही चढ़े, क्योंकि अगर आप ट्विंस प्रेगनेंसी के शुरुआत में सीढ़ियां चढ़ती हैं तो इससे आपकी बॉडी भी काफी हेल्दी रहती है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना भी प्रेगनेंसी में एक तरीके से एक्सरसाइज का काम करता है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप पहली तिमाही में बहुत ज्यादा सीढ़ियां ना चढ़ें, इससे आपके गर्भपात होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, तो आप कोशिश करें कम से कम ही सीढ़ियां चढ़ें। अब हम बात करते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बारे में। जैसे ही आपकी दूसरी तिमाही लगती है वैसे ही आपके बेबी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाती है एंड आपका जो वजन होता है एंड पेट होता है वो भी बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो आप एक बात का ध्यान रखें, आप दूसरी तिमाही में अगर कंफर्टेबल है सीढ़ियां चढ़ने में तभी आप चढ़ें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ना चढ़ें। एंड इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप दूसरी तिमाही में कम से कम ही सीढ़ियां चढ़ें, जैसे आप 1 से 2 बार ही कोशिश करें, इससे ज्यादा ना चढ़ें। इसकी जगह आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टहलने की। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में। तो आपको तीसरी तिमाही में सीढ़ियां चढ़ने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस समय आपके बेबी बहुत तेजी से बड़े होते हैं, आपका जो वजन होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड पेट इतना ज्यादा निकल आता है। जब आप इस समय पे अगर सीढ़ियां उतरती हैं या फिर चढ़ती हैं तो आपको नीचे की सीढ़ियां कम से कम दिखाई पड़ेंगी, तो आप कोशिश करें आपको बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आप थर्ड ट्राइमेस्टर में चढ़ें या फिर उतरें, अदरवाइज आप जहां तक हो सके बिल्कुल अवॉइड करें। आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम के अकॉर्डिंग इसलिए सावधानी रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका वजन बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी बॉडी होती वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाती है एंड बढ़ते वजन के साथ में आपका पैर कभी भी फिसल सकता है, तो इसलिए आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। एंड ट्विंस प्रेगनेंसी का जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आपको चक्कर वगैरह आने की भी बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है और ये चक्कर वगैरह का कोई भी पता नहीं रहता है कि आपको कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप अपने आप को ऐसी जगह ले जाने से बचें जहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि अगर गलती से भी आपका पैर फिसल जाता है तो इससे आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, प्लस बच्चे को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और आप एक बात का ध्यान रखें कि तीसरी या फिर दूसरी तिमाही में आप जब भी चढ़ें या फिर उतरें तो किसी न किसी को साथ में रखें, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको तुरंत ही हेल्प मिल सके। अगर आपको दूसरी और तीसरी तिमाही में सीढ़ियां चढ़ते टाइम आपकी सांस फूलती है या फिर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत ही वहां पे बैठ जाएं एंड उसके बाद में रिलैक्स लेके ही आगे बढ़े। एकदम से बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ने की या फिर उतरने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अपने आप को बिल्कुल भी थकाने की गलती बिल्कुल ना करें। आप कितनी भी कंफर्टेबल हो सीढ़ियां चढ़ने में या फिर उतरने में, गलती से भी अपनी स्पीड को तेज ना करें, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चढ़ें, क्योंकि बहुत तेज स्पीड में चढ़ने से आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जल्दी जल्दी सांस भी फूल सकती है, तो इसलिए गलती बिल्कुल भी ना करें। ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियां चढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है वो काफी हद तक दूर हो जाती है एंड जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज की शिकायत हो जाती है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है, और सीढ़ियां चढ़ने से आपकी सेहत पर काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एंड इसके अलावा अगर आप सीढ़ियां चढ़ती हैं तो आपको तनाव में भी काफी ज्यादा राहत मिलती है। एंड इसके अलावा आपको सीढ़ियां चढ़ते या फिर उतरते समय कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको अंधेरे में बिल्कुल भी सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, और अगर आपकी सीढ़ियों पर कारपेट बिछा है तो आप एक बार ये जरूर देख लें कि कारपेट कहीं पर भी फोल्ड नहीं होना चाहिए, इससे आपका पैर फिसलने का खतरा काफी ज्यादा हो सकता है। एंड इसके अलावा आप हमेशा कोई भी तिमाही में सीढ़ियां चढ़ती हैं तो रेलिंग का सहारा लेकर ही चढ़ें और हमेशा अपने एक हाथ को खाली जरूर रखें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत ही सपोर्ट ले सकें। इसके अलावा आपकी सीढ़ियों पर कोई भी गीलापन या फिर कोई भी फिसलन नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका पैर
ना फिसले। और याद रखें कि आप ढीले कपड़े पहनकर सीढ़ियां ना चढ़ें। अगर आपका कमरा वगैरह ऊपर है तो आप कोशिश करें कि जब भी नीचे आए तो एक बार में ही सारा काम खत्म कर लें, बार बार आपको ऊपर नीचे ना करना पड़े। ट्वींस प्रेगनेंसी की अगर आप तीसरी तिमाही में ज्यादा सीढ़ियां चढ़ती हैं, आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आपका पानी वगैरह भी थोड़ा सा छूट सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट आप ध्यान रखें कि आपका पानी थोड़ा सा छूटने के बाद नॉर्मल हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर लगातार बहता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि तीसरी तिमाही में बच्चों का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ती हैं तो आपके पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। इसलिए आप तीसरी तिमाही में सीढ़ियों से बचने की जहां तक हो सके जरूर कोशिश करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।